हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने हुंडई वेन्यू, ये एस मॉडल है। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक्सट्रीम प्राइस है 9,10,000 रुपये और इसका ऑन रोड प्राइस आपको दिल्ली में पड़ जाता है लगभग 10 लाख रुपये। अभी इस प्राइस पॉइंट पर क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको रिमोट कीज़ देखने मिल जाती है। इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर हुंडई का लोगो और दूसरी साइड आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट अनलॉक के बटन्स। वेल आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन में देखने मिल जाती है कीज़। हालांकि दूसरी की आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में देखने को मिलेगी। अभी गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। जो इसके यहाँ पे ग्रिल दी गई है, आपको यहाँ पे जो इसमें एलिमेंट्स दिए गए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव देखने मिलेंगे इस मॉडल में। वेल इसके अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक एंड क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है और ऊपर आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो रिफ्लेक्टिव एज देखने मिलेंगे। ग्रिल की बात करें, ग्रिल आपको यहाँ पे पूरी क्रोम फिनिश में देखने मिलती है और उसका डिज़ाइन मैं बता दूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे सेकंड ग्रिल बिल्कुल स्मॉल फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलती है। हालांकि है तो एयर फ्लो ग्रिल तो हवा तो जाएगी, वो बता रहा हूँ। नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि सिल्वर फिनिश में है। अभी साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। और जो ओवरऑल ब्लैक टोन में, मतलब ब्लैक कलर में है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब पूरा माफिया लुक आ रहा है इसमें। साइड में व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको यहाँ पे शेलिंग मिलेंगे विद व्हील कवर्स और व्हील्स का साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है 195/65 और 15 इंचज़ के मिलेंगे आपको यहाँ पे व्हील्स। साइड में आपको यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े फेंडर फ्लेयर्स देखने मिल जाते हैं और ये व्हील आर्चेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। और साइड क्लैडिंग तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो भी देखने में। साइड में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि फेंडर्स के ऊपर दिए गए। एंड वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे बॉडी क्लैरिटी देखने मिले और जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको यहाँ पे बॉडी क्लैरिटी मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेस मिल जाएंगे जो कि सिल्वर फिनिश में दी गई है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे शार्क एंटीना मिल जाता है। और बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। जो इसमें कनेक्टेड टेल लैंप्स का फीचर है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि है तो ये डमी ऑन नहीं होते इसमें एस मॉडल में, लेकिन आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एज देखने मिलेंगे। पूरा सेटअप आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एज देखने मिलता है टेल लैंप्स में, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, ब्रेक लाइट हो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट हो, सब कुछ रिफ्लेक्टिव बेस्ड है। नीचे आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है। हालांकि रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने मिलेंगे और नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में। एंड ऊपर आपको यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है और इवेंट शील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे डिफोकर देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ बाइक स्टॉप मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड मिल जाता है। और अभी बूट स्पेस की बात करें तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन देखने को मिल जाएगा। एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं पहले इसके जो डायमेंशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन के कटआउट है, मतलब ज़्यादा बाहर को नहीं है, लेकिन हाँ है तो सही, लेकिन ज़्यादा बाहर को नहीं है। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया यहाँ पे बूट स्पेस को। हालांकि आपको यहाँ पे इस मॉडल में पास सीट देखने को नहीं मिलेगी। जो रियर सीट्स आपको यहाँ पे 6-8 सीट देखने को मिल जाती है। और स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे इसके नीचे मिलेगा, ट्रे के नीचे, जो कि आपको यहाँ पे स्टील में ही होने वाला है सेम साइज़ का ही। और रियर सीट्स में आपको यहाँ पे 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड ऊपर आपको यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाती है बूट डोर के ऊपर, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है इसको पकड़ने के लिए डोर को। सो चलिए हम देख लेते हैं वेन्यू का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है विद बेज एंड ब्लैक कलर्स, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इनके मटेरियल की क्वालिटी तो आप जानते हैं काफ़ी अच्छी होती है हुंडई और किया की। डोर के ऊपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स के कंट्रोल, वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल नहीं दिए गए। यहाँ पे आपको जाएंगे लोकल लॉक बटन, यहाँ पे आपको ओल्ड पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं विद ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन फीचर। यहाँ पे अपन जाएगा चाइल्ड लॉक बटन, डोर पकड़ने के लिए स्पेस। नीचे आपको यहाँ बोटल होल्डर को स्पेस मिल जाता है और आपको यहाँ पे स्पीकर दिया गया। एंड आपको यहाँ पे ट्विटर्स एंड यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिल जाएंगे। एंड डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, आइडल स्टार्ट शो बटन और हेडलैम्प लाइटिंग स्विच। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स और राइट साइड आपको यहाँ पे MID के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी ये क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा स्पीडोमीटर, बीच में MID और राइट साइड आपको यहाँ पे टैकोमीटर देखने मिल जाता है। जो यहाँ पे इसका डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब पूरी यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। सेंटर में MID शो कर देती है, यहाँ पे ड्राइव इन्फो, यहाँ पे आपको सेंसिटिव फीलिंग मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाती है और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑटो स्टॉप टाइमर, टाइमर भी देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सेटिंग्स एंड टैप प्रेशर मॉनिटर भी देखने को मिल जाएगा।
एंड अभी स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। वेल जो हेडलैम्प्स हैं आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ देखने को मिलेंगे। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 8 इंची टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये इंफोटेनमेंट सपोर्ट कर देता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। मेन मेन्यू में आपको यहाँ पे रेडियो मीडिया एंड यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो वगैरह देखने मिलेंगे, विजेट्स वगैरह। यहाँ पे आपको मेन्यू में चले तो आपको मिल जाएंगे फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, मीडिया, क्वाइट मोड वगैरह, एंड आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। मतलब जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये लैग करने लग जाए। काफ़ी टाइम से इसको हुंडई यूज़ करती आ रही है, ऐसी स्क्रीन नहीं है कि ये काफ़ी टाइम से यूज़ करे और ख़राब भी हो। काफ़ी अच्छी स्क्रीन देखने मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये जो इसका टच रिस्पॉन्स है, हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा लो देखने को मिलता है, मतलब लैग है हल्का सा, क्योंकि पुरानी स्क्रीन है। जो नई वाली स्क्रीन आई है वेन्यू और क्रेटा में, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में और काफ़ी अच्छे से काम करती है, वो तो फ़ोन के जैसे वर्क करती है। इसके अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फिजिकल कंट्रोल्स, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए। नीचे आपको यहाँ पे हज़ार लैंप बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वेल जो एसी कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मैनुअल एसी मिलता है, सबसे पहले ये बता दूँ। लेकिन जो इसका कंट्रोल है, मतलब जो इसकी यूनिट है, वेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एसी यूनिट देखने में। नीचे आपको यहाँ पे यूएसबी ए, 12 वी सॉकेट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। और जो यहाँ पे स्पेस दिया काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में देखने मिले आपको यहाँ पे। गियर लीवर की बात करें, गियर लीवर आपको यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक डिजाइन में देखने मिलता है और 5 स्पीड मैनुअल का यूज़ किया गया यहाँ पे। इसके अराउंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा कोने वगैरह रखने के लिए। एंड आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी। एंड आपको यहाँ पे एस्पिरेंट में आर्मरेस्ट भी दिया गया। आर्मरेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा और आर्मरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग एरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा कॉल वगैरह करने के लिए। एंड आपको जो यहाँ पे सनवाइजर है, इसके ऊपर आपको यहाँ वैलिडिटी मिरर मिल जाता है। और जो सनवाइजर है, ये कुछ इतना ब्लॉक कर पाएगा विंडो को, मतलब डिसेंट ब्लॉक कर लेता है विंडो को, मतलब स्पेस छोड़ता है लेकिन स्पेस को काफ़ी अच्छे से कवर भी कर लेता है। इतना स्पेस तो कवर करता है ये काफ़ी अच्छे से। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। एंड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलते। अभी ग्लव बॉक्स की बात करूँ, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। वेल मैंने दोस्तों कहे यहाँ पे बोतल भी 2 लीटर की आराम से आ जाएगी। ऊपर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड अभी फ्रंट सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे कोड ड्राइवर सीट है, इसमें आपको यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। और ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे, वेल ड्राइवर सीट में भी आपको यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट ही देखने को मिलेंगे एस मॉडल में, क्योंकि एस मॉडल में आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का फीचर देखने को नहीं मिलता। सो चलिए हम देख लेते हैं रियर सीट कम्फर्ट। रियर डोर के ऊपर आपको मिल जाते हैं पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, सिल्वर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है और आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे। एंड अभी गाड़ी के कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे, वेल आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे सीट्स है, आपको यहाँ पे स्कूप्ड देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड थाई सपोर्ट तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता ही है। एंड नीचे आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगी और नीचे आपको यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट भी दिए गए। ऊपर आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है। एंड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। एंड रियर सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। रियर सीट्स आपको यहाँ पे बेंच फोल्डिंग्स और 60 वाट स्प्लिट देखने को मिलती है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं वेन्यू का इंजन। वेन्यू में आपको यहाँ मिल जाता है 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। जो इंजन प्रोड्यूस कर देता है 82 BHP पावर और 13 Nm ऑफ टॉर्क। वेल डिसेंट पावर फेजेस प्रोड्यूस कर देता है इंजन और इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ भी है। ऊपर आपको यहाँ पे बोनेट इंसुलेटेड देखने को मिलता है। हालांकि वेल यही सब था गाड़ी में बताने के लिए, और कुछ बाकी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।